साल फसल अच्छी हुई, बारिश तो अच्छी हुई है, भगवान ने चाहा तो फसल भी अच्छी होगी। एक सवाल पूछूं? अवश्य साई। इंसान सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है? अपने बीवी बच्चों से? भगवान से? साईं, अपने काम से जिससे पैसे आते हैं? तो फिर साईं आप ही बताइए ना, इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है? इंसान सबसे ज्यादा प्यार अपनी लत से करता है। अपने नशे से करता है। जिसमें काम का नशा हो वो काम को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देगा। जिसे खाने की लत हो वो खाने के मौके ढूंढता रहेगा। भले ही ज्यादा खाना उसके दिल डोल को बिगाड़ दे, उसे अस्वस्थ करे, फिर भी वो खाएगा। ठीक इसी तरह कोई तंबाकू या शराब की लत में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर देता है। अच्छी लत जीवन सुधार सकती है तो बुरी लत बर्बादी की तरफ ले जाती है। अपने मन से कुछ भी बनाकर बोल रहे हैं, किसी शास्त्र या ग्रंथ में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। होगा ये सब? अब तो कोई चमत्कार ही हमें इस मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। काशीनाथ के लिए ये धागा लाई हूं। जब वो आ जाएगा तो उसके कलाई पर बांध देना। मेरा यकीन है सुधार होगा।
पत्नी हूं आपकी। आपको छोड़कर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकती। पति पत्नी का रिश्ता जीवन भर का होता है, सुख दुख में साथ निभाने का होता है। मैं अपना धर्म निभा रही हूं, पता नहीं आप कब निभाएंगे। साई, ये बात तो मुझे पता है कि बुरी लत जीवन को बर्बाद कर सकती है, लेकिन लत क्या कभी अच्छी भी हो सकती है? आप सब ध्यान से सुनिए। पुरातन काल में एक पिता और एक पुत्र थे, दोनों को लत थी। पिता को सत्ता और शक्ति की लत ने ऐसा बना दिया कि उन्होंने खुद को भगवान घोषित कर लिया, और दूसरी तरफ पुत्र को विष्णु नाम की उनकी भक्ति की लत थी। वो भगवान विष्णु के प्रति इतना समर्पित था कि जब उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो भी वो नहीं रुका। वो पिता थे हिरण्यकश्यप और वो बेटा था प्रह्लाद। आप सब जानते हैं हिरण्यकश्यप ने अपनी शक्ति की मद में आकर क्या किया। भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हुए उसने अपने ही बेटे की प्राण लेने की कोशिश की। और प्रह्लाद की हरिनाम की लत के कारण भगवान विष्णु को उसकी रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार लेने पर मजबूर होना पड़ा। इसलिए अगर लत लगानी ही है तो अच्छे काम करने की लगाओ। नशा करना ही है तो भक्ति का करो, मालिक की सेवा की लत लगाओ, मालिक के बनाए प्राणियों की सेवा की लत लगाओ, फिर देखो सदमार्ग छोड़ के कहीं नहीं जा पाओगे। आप क्या कह रहे हैं साई? विष्णु पुराण मैंने पढ़ा है, प्रह्लाद के बारे में आपने जो कहा वो तो सत्य है, लेकिन बाकी जो आपने कहा वो तो किसी पोथी में नहीं लिखा। कहां लिखा है इंसानों की लत के बारे में? जीवन के अनुभव रूपी ग्रंथ में।
को देर से सोई, इसलिए सुबह नींद नहीं खोली। आप नहा लीजिए, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। देनु, तुम्हारे बाल ऐसे कैसे? क्या हुआ भोला, कोई परेशानी? मैं तुम्हें एक चुटकुला सुनाती हूँ, जिसे सुनते ही तुम अपनी सारी उदासी भूल जाओगे। एक बार एक हाथी और चींटी कहीं जा रहे थे। चींटी हाथी पर बैठी हुई थी। रास्ते में एक पुल आया तो चींटी ने हाथी से कहा, भाऊ तुम पार कर लोगे या मैं उतर जाऊं? बस बंद करो ये शोरगुल। दिखता नहीं तुम लोगों को, मैं यहाँ पोथी का पाठ कर रहा हूँ। मुझे शांति चाहिए, जाओ बाहर जाओ यहाँ से। बुआ जी, बच्चे अपने उदास दोस्त को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं और द्वारका माई से कभी किसी को बाहर जाने के लिए नहीं कहा जाता। यहाँ बहुत ऐसी बातें होती है जो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, और ये बच्चे ये बहुत शोरगुल करते हैं, इन्हें यहाँ से जाना ही होगा। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ से साइकिल है, हमें जाने के लिए और कोई नहीं बोल सकता। हाँ, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बड़ों से जुबान लड़ाते हो, यही संस्कार दिए गए तुम लोगों को? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को। रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं रामदासी जी? ये द्वारका माई है, भगवान का घर है ये। यहाँ पर तो कोई किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता। और आप इन छोटे बच्चों पर हाथ उठा रहे हैं? भगवान के घर में भगवान का पाठ होता है या हो हंगामा, हद होती है ना समझे की भी। सही कह रहे हैं, ये ना समझ है, लेकिन आप तो समझदार है ना, और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। फिर भला भगवान इनकी हंसी से अप्रसन्न कैसे हो सकते हैं? जो बच्चे भगवान के काम में विघ्न डालते हैं वो दैत्य होते हैं, और तुम लोग क्या भगवान की बात कर रहे हो? साई को कभी मैंने किसी पोथी का पठन करते हुए नहीं देखा, तुम लोगों ने भी नहीं किया होगा। पोथी पठन ईश्वर की ओर ले जाने वाला सबसे सरल मार्ग है, और इसमें रुकावट डालने वाले को भगवान भी माफ नहीं करते, तो मैं कैसे करूं? ये बेलगाम बच्चे हैं, इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा।
साई है। बड़ों की बड़ी समस्या क्या है जानते हैं बुआ जी? वो सोचते हैं कि बच्चे ना समझ हैं। बच्चों को डांट फटकार कर धमका कर कुछ भी कहा जाए तो वो जरूर सुनेंगे, लेकिन बच्चों को अगर सही तर्क से समझाया जाए, प्यार से समझाया जाए, तो वो सबसे जल्दी समझ लेते हैं। बच्चों, तुम लोग बाहर जाकर खेलो, रामदासी बुआ यहां ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जाओ। जी साईं। साई, आज से पहले आपने बच्चों को द्वारकामाई से बाहर जाने के लिए कभी नहीं कहा। कोई अगर ईश्वर को पाने की कोशिश कर रहा है तात्या, तो हम उसकी राह में रुकावट क्यों बने? मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। ओम साई ओम। रेणु, भोला कहाँ है? वो सुबह उठते ही बाहर चला गया। ठीक है, मुझ जैसे बाकी साये से दूर रहे तो उसके लिए अच्छा ही है। काशीनाथ, 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 बाहर आओ जल्दी। तुझे शर्म नहीं आती? अपने बड़े भाई पर हाथ उठाया। जिसके सामने खड़ा होने की तेरी औकात नहीं, जिस बड़े भाई ने हर वक्त तेरी मदद की, एक बार फिर तेरा कर्ज चुकाने के लिए पैसे लेकर तेरे घर आया था और उसका एहसान मानने की बजाय उसे ही बेइज्जत किया। लानत है तुझ पे। चुप, आस्तीन का सांप है तू। बचपन से लेके आज तक दुखों के सिवा तुमने दिया ही क्या है मुझे? भवेश शुरू से मुझसे जलता है, पाठशाला हो या काम, हमेशा जो इससे आगे रहता हूं। अरे जब ऐसी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो तो और उम्मीद ही क्या रख सकते हो? हमेशा छोटे भाई बड़े भाई को देखकर उनसे प्रेरणा लेकर जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, और ये अपने भाई का पतन कैसे हो इस फिराक में रहता है। मुंह लटकाकर मासूम मत बन, तू कितना बड़ा नालायक है ये सबको पता है। कभी कोई हुनर तो तुझ में था नहीं, ऐब दुनिया भर के पाल लिए। कभी कोई खुशी तो तूने दी नहीं मुझे, लेकिन हर बार मेरी नाक कटवाने में सबसे आगे रहा है तू। पता नहीं भगवान क्या चाहता है, एक बेटा इतना होनहार दे दिया और दूसरा इतना नकारा। पर हुआ क्या है भल्लाल काका? होना क्या है, बड़े भाई पर हाथ उठाया इसने। सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ मुझे, ये है ही ऐसा। बीती रात मैंने मासापति जी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा था इसे। क्या क्या किया तूने मासापति जी के साथ? चुप क्यों है बता। लो, मासापति जी खुद ही आ गए, अब वो ही बताएंगे।
क्या बात है? क्षमा चाहता हूं। सुना है बीती रात काशीनाथ ने आपके साथ कुछ बदतमीजी की। वो बात तो मैं भुला भी चुका हूं, आप भी जाने दीजिए बल्लाल जी। ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं। भगवान के लिए आप सब कुछ सच सच बताइए, क्या किया इसने आपके साथ? आपको खंडोबा जी की कसम। असल में बीती रात ये नशे की हालत में मंदिर आया था। इसने मुझसे कहा कि इस साल खंडे नवमी की पूजा ये करना चाहता है। हाँ, ये झूठा, ये शराबी, ये पूजा करेगा? मासापति जी, इसे मार मार कर भगाया नहीं आपने? अब बल्लाल जी छोड़िए ना इस बात को, माफ कर दीजिए इसे। एक मंदिर बचा था, तूने उसे भी नहीं छोड़ा, कर दिया पवित्र। तूने सोच भी कैसे लिया कि कोई तुझे पूजा करने देगा? सिर्फ इसलिए कि ये मान हमारे खानदान को मिलता है तो तुझे भी मिल जाएगा। एक बात बता, ऐसा क्या किया है तूने अपने खानदान का मान बढ़ाने के लिए? तू तो कुल का नाम मिट्टी में मिला रहा है। अगर मेरा बस चले तो मैं तुझे तेरे नाम के साथ अपना नाम भी ना लगाने दूं। इससे क्या होगा? अपना नाम हटा लेने से क्या ये आपका बेटा नहीं रहेगा? ऐसा करने से इसकी जिंदगी सुधर जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साईं, आप तो दया की मूरत है, आप किसी को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो मामूली इंसान हूं। कब तक सहूं, कब तक इसके कारण लोगों से नजरें चुराता रहूं, सिर झुकाकर चलूं? इसे तो बेहतर है कि इस नालायक से सारे रिश्ते, सारे बंधन तोड़ दूं। काशीनाथ को प्यार से समझाकर कभी रास्ते पर लाने की कोशिश नहीं की आपने? समझाया था, और जब ये नहीं समझा तो इसके साथ सख्ती भी की, लोगों से इसकी गलती के लिए माफी मांगी। इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन इसने हर बार अपने बाप की बेबसी का फायदा ही उठाया। लेकिन हर चीज की सीमा होती है, अब मेरी बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो चुकी है। ये किसी लायक नहीं है, ये मेरा बेटा कहलाने के भी लायक नहीं है। ऐसा कहकर आप इसके सुधरने की आखिरी गुंजाइश भी खत्म कर रहे हैं। माफ कीजिएगा साईं, इसके सुधरने की गुंजाइश ये बहुत पहले ही खत्म कर चुका है। और तू कान खोलकर सुन ले, इस बार खंडे नवमी की पूजा भी मोरेश्वर ही करेगा। और तुझे मंदिर में पैर रखने की तो क्या, उसके आसपास भी फटकने की अनुमति नहीं होगी। चल बेटा, चल। कहाँ जा रहे? सुनिए,
तो कुल का नाम मिट्टी में मिला रहा है। अगर मेरा वश चले तो मैं तुझे तेरे नाम के साथ अपना नाम भी ना लगाने दूं। इस बार खंडे नवमी की पूजा भी भोरेश्वर ही करेगा। अब मेरी बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो चुकी है। तुझे मंदिर में पैर रखने की तो क्या, उसके आसपास भी फटकने की अनुमति नहीं होगी। ये किसी लायक नहीं है। ये मेरा बेटा कहलाने के भी लायक बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो चुकी है। अगर मेरा बस चले तो मैं तुझे तेरे नाम के साथ अपना तो नाम भी ना लगाने मिट्टी में मिला रहा है। काशीनाथ, काशीनाथ, अरे काशी, काशीनाथ, अरे काशी रुको, वहां कहां जा रहे हो और आज काम पे क्यों नहीं आए हो? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बुलाने ही तुम्हारे घर जा रहा था। मैं आज काम पर नहीं आ सकता मुकदम जी। क्यों, क्यों नहीं आ सकते भाई? तुम्हें पता है ना मातृजी जी के आंगन की दीवार ढह गई है, उसे आज ही बनाना है। और अगर काम समय पर नहीं हुआ तो मातृजी बहुत गुस्सा होंगे। और तुमसे बेहतर तो मेरे पास कोई ईंट लगाने वाला कारीगर है नहीं। चलो मेरे साथ। मैंने कहा ना आज मैं काम पर नहीं आ सकता, वैसे भी मैं किसी काम का आदमी नहीं हूं। विश्वास ना हो तो मेरे बाप से पूछिए, वो मुझसे बेहतर आपको 10 लोग बताएंगे जो आपका काम कर सकते हैं। मुरारी, काशीनाथ, अभी तो शाम भी नहीं हुई, आज सुबह सुबह अपना काम करो। छोटे लाल, क्या हुआ? आई! तो भाग क्यों रहे हो? आई! रुक क्यों गया? पी ले ना। ना पीकर हम पर कौन सा एहसान करेगा? तू नहीं सुधरने वाला। तू तो उस धूम की तरह है जिसे 12 साल तक नली में डालकर निकालो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। कलंक कहीं का। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.